इसराइल और फिलिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद जंग की ओर बढ़ रहा है। दोनों के बीच हवाई हमले हो रहे हैं। इन हमलों के चपेट में आकर 12 बच्चे समेत 59 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 2014 के बाद इसराइल पर यह सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास इसराइल इसे आतंकी संगठन मानता है। सोमवार से बुधवार तक करीब 40 घंटे में 1050 मिसाइलें दागी। इनमें से 850 से ज़्यादा मिसाइलें को उसके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। करीब 200 मिसाइलें इसराइल की रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसराइल का दावा है कि आयरन डोम के बदौलत वह सुरक्षित है। दरअसल इसराइल ने तेल अवीव के चारों ओर 5 आयरन डोम लगा रखे हैं, जो किसी भी मिसाइलों को डिटेक्ट कर हवा में ही मार गिराते हैं। एक डोम की कीमत है 340 करोड़ रुपये। गाइज, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो